नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी R1 के बारे में बताने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोज लाते रहेंगे। जीएसटी R1 को फाइल करने से पहले आपको समझना चाहिए कि जीएसटी R1 क्या होता है, जीएसटी R2 क्या होता है, जीएसटी R3 भी क्या होता है। तो चलिए पहले हम इस मैटर को कंप्लीट कर लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं ये सब चीजें होती क्या हैं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने कुछ टैक्स इन्फॉर्मेशन में सभी चीज़ों को एक एक करके डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे जीएसटी। आखिर जीएसटी क्या है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यानी वस्तु और सेवाओं पे जो कर लगाया जाता है, यानी जो टैक्स लगाया जाता है, उसी को जीएसटी कहा जाता है। अब ये जीएसटी हमारा तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी और तीसरा है आईजीएसटी। अगर हम सीजीएसटी की बात करें तो सीजीएसटी होता है हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और अगर हम आईजीएसटी की बात करें तो ये होता है हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये यूज कैसे किया जाता है, इनका यूज कहां कहां पे होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने किसी गुड्स को परचेज किया 18% की जीएसटी पर, तो आपने जो गुड्स परचेज किया था वो परचेज किया था सेम स्टेट में, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी ये जो दोनों टैक्स होते हैं ये दोनों एक साथ लगाए जाते हैं। तो 9% का आपका सीजीएसटी होगा, 9% का आपका एसजीएसटी होगा, यानी आधा टैक्स जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और आधा टैक्स जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा गुड्स है जो कि आप इंटरस्टेट परचेस करते हैं, मान लीजिए आपने इसको किसी अदर स्टेट से परचेस किया है, तो उसके ऊपर 18% का पूरा आईजीएसटी लगता है, जो कि सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। तो ये तो हो गया जीएसटी के बारे में। अब हम बात करते हैं जीएसटी R1 आखिर क्या चीज होती है। तो जीएसटी R1 होती है हमारी सेल, और जीएसटी R2 होती है हमारी परचेज। अब बात करते हैं जीएसटी R3 भी हमारी क्या होती है, और इसके बाद हम बात करते हैं जीएसटी R3B के बारे में कि जीएसटी R3B क्या चीज होती है। तो जीएसटी R3B होती है जितना भी हमने गुड्स सेल किया है और जितना भी हमने गुड्स परचेज किया है, टोटल सेल टैक्स में से टोटल परचेज टैक्स को अगर हम माइनस कर दें तो हमारी जीएसटी R3B आ जाती है, जिसको हमें हर महीने फाइल करनी होती है। और इसके बाद हम बात करते हैं ITC की कि ITC क्या चीज होती है। तो ITC होती है हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जब हम जीएसटी R3B फाइल करते हैं तो उसके ऊपर जो भी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसी को ITC कहा जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हुए हैं, जीएसटी R2 का और जीएसटी R1 का। तो सबसे पहले मैं आपको जीएसटी R2 और जीएसटी R1 क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे जीएसटी R3B के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर गुड्स परचेज किया है 18% की जीएसटी रेट के ऊपर 5 लाख रुपए का, यानी हमने जो गुड्स परचेज किया है उसके ऊपर 18% का हमने टैक्स दिया है, 5 लाख रुपए का हमने टोटल गुड्स परचेज किया है, जिसपे सीजीएसटी हमारा लगा है 9% और एसजीएसटी लगा हमारा 9%, और इन दोनों को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो ये बनता है हमारा 90,000 रुपए, यानी टोटल अमाउंट जो हमारा बना है वो बना है 5,90,000 रुपए का, यानी हमने जो गुड्स परचेज किया है वो 5,90,000 रुपए का गुड्स परचेज कर लिया है। अब बात करते हैं जीएसटी R1 के बारे में, यानी हमारी सेल के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने उसी गुड्स को 5,50,000 रुपए में सेल कर दिया, यानी कि 10% का अपना प्रॉफिट ऐड करके हमने इस गुड्स को सेल कर दिया। अब जब हमने सेल किया इसको, तो सेल करने में हमने जो सीजीएसटी कस्टमर से रिसीव किया है वो 49,500 का वसूल किया है, और एसजीएसटी जो हमने रिसीव किया है वो 49,500 का रिसीव किया है। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि जो आपने सेल की है उस सेल के ऊपर जो भी टैक्स आपने रिसीव किया है वो आप हमें पे कीजिए। अब ये तो बहुत गलत बात हुई कि जब हमने गुड्स को परचेज किया था तब भी हमने 18% का टैक्स पे किया था, और जब हमने सेल की है तो उस टैक्स को जब हमने कस्टमर से लिया है तो आप कह रहे हैं कि ये टैक्स भी आप हमें पे कीजिए। तो अब गवर्नमेंट हमें ये कहती है कि चलिए कोई बात नहीं, आपने जो भी परचेजिंग की थी, यानी जितने भी गुड्स की आपने परचेजिंग की थी और जितना आपने टैक्स पे किया है, उसका रिकॉर्ड आप मुझे भेज दीजिए, यानी उसका क्लेम आप मुझे फाइल कीजिए। इसके बाद जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी यहां पर बचेगी वो टैक्स आपको पे करना होगा, यानी कि
जो हमने 5 लाख का गुड्स परचेज किया था और उसे हमने 5,50,000 रुपए में सेल किया है। यहाँ पर जो 50,000 रुपए हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट था जो हमने कस्टमर से वसूल किया है, इस 50,000 रुपए के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स हमने कस्टमर से वसूल किया है, वो टैक्स गवर्नमेंट हमसे मांग रही है। तो अब बात करते हैं जीएसटी R3B के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो टोटल अमाउंट था यानी टैक्सेबल वैल्यू जो थी हमारी, वो थी 5,50,000 रुपए, जिसके ऊपर हमने कस्टमर से जो CGST रिसीव किया है वो 49,500 का रिसीव किया है और SGST भी हमने 49,100 का रिसीव किया है। अब आप देखेंगे जो हमारा एलिजिबल ITC था, यानी कि जो हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रखा था 5 लाख रुपए के ऊपर, वो 45,000 हमने CGST पे किया था और 45,000 हमने SGST पे किया है। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टैक्स लायबिलिटी को अगर हम माइनस कर दें एलिजिबल ITC से, तो हमारा पेबल अमाउंट हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाता है। यानी कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि जो हमने CGST के थ्रू कस्टमर से अमाउंट को रिसीव किया है और इसके बाद हमने SGST का जो अमाउंट है वो भी कस्टमर से जो रिसीव किया है, अगर उसको हम माइनस कर दें अपने एलिजिबल ITC से, तो हमारा टोटल अमाउंट निकल जाता है जिसको हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमने जो CGST कस्टमर से रिसीव किया था वो 49,500 का रिसीव किया था और हमने जो पे किया है वो पे किया है 45,000 का। तो इसमें से अगर हम 49,500 में से 45,000 अगर माइनस कर देते हैं तो 4,500 की हमारी लायबिलिटी यहाँ पर शो हो जाएगी। यानी इतना टैक्स अभी हमें CGST और गवर्नमेंट को पे करना है, यानी इतना ITC हमें अभी गवर्नमेंट को देना है। अब बात करते हैं SGST की। तो SGST में भी सेम प्रोसेस है कि 49,500 का जो हमारा टैक्स है जो हमने कस्टमर से रिसीव किया है और जो हमने गवर्नमेंट को यहाँ पर 45,000 पे किया है, उसमें से अगर इसको हम माइनस कर दें तो सेम प्रोसेस, यहाँ पर भी 4,500 अमाउंट हमारा रिसीव हो जाएगा। यानी कि हमें जो टोटल गवर्नमेंट को पे करना है वो 9,000 की लायबिलिटी हमारे ऊपर यहाँ पर शो हो जाएगी। यानी हमने जो टोटल टैक्स वैल्यू कस्टमर से रिसीव की है वो 99,000 रिसीव की है और हमने जो पे किया है वो 90,000 पे किया है। तो उस हिसाब से जो गवर्नमेंट हमसे कहती है कि भाई ये जो 9,000 रुपए है जो कस्टमर से आपने टैक्स के नाम पर एक्स्ट्रा लिया है वो अमाउंट आप हमें पे करिए। तो ये बन जाती है हमारी ITC और इसी ITC को हमें फाइल करना पड़ता है GST R3B के अंदर। यही होता है हमारा GST R3B। अब यहां पर आप देखेंगे एक एग्जांपल आपके सामने और है। यहां पर जो आपका परचेज अमाउंट है यहां पर 5 लाख रुपीज है, यानी 5 लाख की हमने परचेजिंग की है, लेकिन जो हमारी सेल हुई है वो सिर्फ 4 लाख रुपए की सेल हुई है। तो क्या तब भी हमें टैक्स पे करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपको तब भी टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके लिए आपको GST R3B हर महीने फाइल करनी पड़ेगी। बेशक आपकी परचेजिंग ज्यादा है और सेल आपकी कम है, लेकिन फिर भी आपको हर महीने आपकी टैक्स लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी परचेजिंग अमाउंट था वो 5 लाख रुपए है और हमारी सेल अमाउंट 4 लाख रुपए है। तो अब हमें पता है कि हमने टैक्स ज्यादा दिया हुआ है और हमने टैक्स रिसीव कम किया हुआ है, तो हमारा जो टैक्स अमाउंट है वो निल आ जाएगा, यानी हमें टैक्स पे नहीं करना, लेकिन फिर भी हमें इसकी फाइल वहां पर सबमिट करनी पड़ेगी। ये हर महीने आपको करना पड़ेगा, वरना इसके ऊपर आपकी पेनल्टी लगाई जाती है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 5 लाख का जो हमने गुड्स परचेज किया था उसको हमने 4 लाख में सेल किया है। आप देखेंगे यहाँ पर जो हमने CGST और SGST पे किया है वो टोटल 90,000 रुपए की पेमेंट की है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमने जो टोटल रिसीव किया है वो 72,000 रुपए हमने सिर्फ टैक्स रिसीव किया है। तो उस हिसाब से हमारी GST R3B फाइल किस तरीके से की जाएगी। तो सबसे पहले आप देखिए हमारा जो आउटवर्ड सप्लाई है वो आप देखेंगे 4 लाख रुपए, यानी 4 लाख की हमारी टोटल सेल हुई है, जिसमें CGST हमने रिसीव किया है 36,000 रुपए और SGST हमने रिसीव किया है 36,000 रुपए। अब यहाँ पर जो हमारा टोटल ITC है वो क्या है, तो वो हम देखेंगे 5 लाख रुपए की हमने परचेजिंग कर रखी है। अब यहाँ पर जो हमने इसकी पेमेंट की है वो 45,000 की पेमेंट की है CGST में और 45,000 की पेमेंट की है SGST में। तो उस हिसाब से जो हमारी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी वो माइनस में आएगी। यानी आप देखेंगे CGST का जो अमाउंट हमने सेल किया था, यानी जो हमने टैक्स कस्टमर से रिसीव किया था, वो 36,000 रुपए रिसीव किया है और जबकि हमने जो पे किया है वो 45,000 पे किया है। उस हिसाब से माइनस 9,000 यहाँ पर जो हमारा अमाउंट आ रहा है वो हमारा गवर्नमेंट के पास जमा है पहले से ही। इसी तरीके से अगर हम SGST की बात करें तो SGST में भी 36,000 रुपए हमने रिसीव किया है और 45,000 रुपए
हमने पे किया है। तो -9000 रुपए पे यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है, तो ये वैल्यू भी हमारी -9000 में आ जाएगी। और टोटल अगर हम इसे इंक्लूड करें तो टोटल हमने जो पेमेंट की थी वो 90000 की पेमेंट की थी, और हमें जो रिसीव हुआ है वो 72000 रिसीव हुआ है, यानी 18000, यानी माइनस में 18000 हमारा जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास जमा रहेगा। ये पैसा आपको कैश रिसीव नहीं मिलेगा। जब आप बाकी का 1,00,000 रुपए का जो गुड्स है उसे जब सेल करेंगे तो वो टैक्स लायबिलिटी आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी। यानी वो जो 1,00,000 रुपए का आप गुड्स आपके पास बचा हुआ है उसे आज नहीं तो कल आप सेल जरूर करेंगे, और जब आप उसे सेल करेंगे और उसके ऊपर टैक्स को रिसीव करेंगे तो उसको यहाँ से मैनेज कर दिया जाएगा। तो ये होता है जीएसटी R3B का पूरा प्रोसेस। अब समझते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू और इसे। तो यहाँ नीचे आप देखेंगे, अगर मान लीजिए आपकी जो परचेजिंग अमाउंट थी वो 5,00,000 रुपए है, लेकिन जो आपने परचेज किया है वो IGST से परचेज किया है, यानी इंटरेस्ट रेट से आपने परचेज किया है, और 90,000 का आपने इसे टैक्स पे किया है, 5,90,000 का आपने टोटल अमाउंट का परचेजिंग कर रखी है। अब इसी चीज को अगर आप यहाँ पर सेल करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी टोटल सेल है वो हमने IGST के थ्रू सेल की है 3,00,000 रुपए, और CGST और SGST की जो हमने सेल की है वो 2,50,000 रुपए सेल की है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर आप परचेजिंग करते हैं IGST से, यानी आपने जो टैक्स पे किया है वो IGST टैक्स पे किया है, यहाँ पर आप उसे IGST में भी सेल करते हैं और CGST और SGST में भी सेल करते हैं, तब जाकर के आपका ये जो टैक्स है वो किस तरीके से मैनेज होगा। तो ये भी बहुत इजी तरीके से मैनेज हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि किस तरीके से ये टैक्स भी मैनेज किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, हमने जो टोटल सेल की थी वो 5,50,000 रुपए की सेल की है, सेल जो हमने की है IGST की वो 3,00,000 रुपए की हमने सेल की है, और इसके ऊपर जो हमें IGST रिसीव हुआ है वो 54,000 रुपए का, यानी 54,000 रुपीज का अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है, और जबकि हम पे कर चुके हैं 90,000। तो चलिए अब बाकी का जो अमाउंट है, यानी बाकी का जो गुड्स है हमारा, वो हमने सेल किया है 2,50,000 रुपए का। अब 10% का प्रॉफिट लगाने के बाद हमारा 2,50,000 रुपए का जो गुड्स था वो यहाँ पे सेल हुआ है, जिसे हमने सेल किया है CGST और SGST में, यानी 22,500 रुपए का हमने CGST टैक्स रिसीव किया है और 22,500 का हमने SGST टैक्स रिसीव किया है। टोटल इंक्लूड करें तो 6,49,000 रुपए का हमने टोटल यहाँ पर सेल की है, और इस हिसाब से हमारा जो आउटवर्ड सप्लाई बनता है वो 3,00,000 रुपए के हिसाब से अगर हम देखें IGST की जो हमारी सेल थी वो थी 54,000 रुपए, यानी 54,000 रुपए हमने टैक्स रिसीव किया है IGST, और इसके बाद जो हमारा आउटवर्ड सप्लाई यानी CGST और SGST के हिसाब से 2,50,000 रुपए था, उसमें हमने 22,500 रुपए हमने CGST रिसीव किया है और 22,500 रुपए हमने SGST रिसीव किया है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी को यहाँ पर मैनेज करें तो आप देखेंगे हमारी जो टोटल लायबिलिटी थी वो थी 99,000 रुपीज़, यानी 99,000 रुपीज़ हमें टैक्स पे करना है जो गवर्नमेंट हमसे मांग रही है, और अब हमने जो IGST के थ्रू रिसीव किया था अमाउंट वो 54,000 रुपीज़ था। तो यानी कि अगर हम 99,000 में से 54,000 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बचता है हमारा 45,000, यानी 45,000 का अमाउंट हमारा जो है वो CGST और SGST में मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा CGST जो था वो हमने टैक्स रिसीव किया है 22,500, और SGST हमारा जो टैक्स था वो हमने रिसीव किया है 22,500, यानी टोटल अमाउंट अगर इंक्लूड करें तो 99,000 का यहाँ पर हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है। अब इस 99,000 रुपए में से अगर जो हमारा एक्चुअल अमाउंट था, यानी जो हमें टोटल अमाउंट पे करना है 90,000 जो हमारी लायबिलिटी हमारे ऊपर है, तो अगर उसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो 9,000, यानी 9,000 का जो हमारा अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है, सिर्फ हमें यही 9,000 गवर्नमेंट को पे करना है। अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ। पहले होता क्या था, पहले हमें GST R2B फाइल करना पड़ता था, यानी हमें टोटल परचेजिंग पहले दिखानी पड़ती थी। अब हमें इस प्रोसेस को करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है मैं उसको कम्प्लीटली आपको बता देता हूँ। जब हम किसी रेगुलर पार्टी से यानी सेंडरी क्रेडिटर से किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो बेसिकली वो गुड्स उसके लिए सेल कहलाई जाती है। तो जब वो GST R3B अपना फाइल करेगा तो उसमें हमारे GST नंबर को जरूर ऐड करेगा, यानी वो ये दिखाएगा कि मैंने किस किस पार्टी को सेल किया है। और जब वो वहां पर हमारे GST नंबर को शो करेगा, यानी हमारी टैली प्राइम के अंदर वो एंट्री रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको परचेज की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, यानी हमें GST R2 को फाइल करने की जरूरत नहीं है, इसका पूरा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। और गवर्नमेंट हमसे सिर्फ GST R1 की डिटेल मांगती है, यानी जितनी भी आपने सेल करी है उसको हर महीने आपको मेंटेन करना है, और जितना भी आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है यानी ITC बनती है उसको आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा।
यानी जब भी हम अपनी सेल को दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं उसका जीएसटी नंबर जरूर फिल करेंगे, और जब हम उस पार्टी का जीएसटी नंबर फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि किस पार्टी ने किससे गुड्स को परचेज किया है, और वहां पर जो हमारे टैक्स लायबिलिटी थी वो मैनेज हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे जीएसटी R1, R2, R3B के बारे में। इसको अब हम प्रैक्टिकली टैली प्राइम के अंदर करके देखते हैं, इसका प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जाना होगा आपको टैली प्राइम के अंदर। टैली में आने के बाद अब मैं आपको प्रैक्टिकली तरीके से दिखा देता हूँ कि हमारा जो टैक्सेशन होता है वो किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना डेबुक दिखा देता हूँ। यहाँ पर डेबुक में चले जाइए और यहाँ पर आप देखेंगे हमारी दो एंट्री शो हो रही हैं। यहाँ पर आप F2 प्रेस करिए और अपनी डेट्स को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, तो आपकी जितनी भी एंट्री आपने पास कर रखी होती है वो सारी एंट्री आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाती है। पूरे साल के अंदर जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन होती है वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपकी यहाँ पर शो अप हो जाती है। तो आप देखेंगे हमने जो गुड्स परचेज किया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे कमल इंडस्ट्रीज से हमने कुछ गुड्स को परचेज किया हुआ है 317,490 रुपए का। इस पर एक बार एंटर प्रेस करिए। एंटरप्राइज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने दो गुड्स परचेस किए हुए हैं, एमएस ऑफिस और एचपी का एक प्रिंटर परचेस किया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे 36,990 रुपए का हमने जीएसटी टैक्स पे किया हुआ है, यानी आईजीएसटी पे किया हुआ है। अब आपको मैं दिखा दूं, स्कैप करके आप एक बार पीछे आ जाइए। यहाँ पर आप देखेंगे हमने कुछ सेल्स भी कर रखी है और इसके बिहाफ पे हमारे ऊपर कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो चीज कहाँ पर शो अप होती है। इसके लिए आप स्कैप करके एक बार पीछे आ जाइए। पीछे आने के बाद हम चले जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में आने के बाद आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए Alt+F1। Alt+F1 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपकी यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस की लायबिलिटी यहाँ पर शो अप हो गई, यानी इतनी टैक्स लायबिलिटी हमें देनी है जो हमें टेलीप्राइम हमें बता रहा है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो टैक्स लायबिलिटी है हमारी वो करेक्ट है। तो इसके लिए हम एक बार इस पर एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे जो हमने गुड्स को परचेज किया था, परचेज करते समय हमने जो टैक्स पे किया है वो 36,000 रुपए का यहाँ पर हमारे सामने दिखा रहा है। तो एक बार इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको दिखाएगा कि आप किस मंथ के अंदर आपने इस गुड्स को परचेज किया था। तो इस पर एक बार और एंटर प्रेस करेंगे हम लोग। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने दो एंट्री आ रही है आईजीएसटी की, जिसमें आप सबसे पहले एंट्री देखेंगे कमल इंडस्ट्रीज की, जो मैंने अभी आपको डेबुक में दिखाया था, सेम वही एंट्री हमारी यहाँ पर शो होगी। इसके बाद आप अमाउंट देखेंगे, अमाउंट भी वही सेम शो हो रहा है 36,990 रुपए का। स्कैप करके एक बार पीछे आ जाइए, इस पे एक बार एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे हमने माउस और कीबोर्ड हमने सेल कर रखा है 10-10 पीस, जिसमें हमारा 990 रुपए का आईजीएसटी सेल हो रखी है, यानी कि हमारे पास कुछ आइटम्स पहले से भी पड़े हुए थे जो कि हमारा माउस और कीबोर्ड था और उसके ऊपर हमें 990 रुपए का आईजीएसटी टैक्स रिसीव हुआ है। तो स्कैप करके एक बार पीछे आ जाइए। पीछे आने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूं हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी सेल करने के बाद हमने जो टैक्स को रिसीव किया है वो कितना रिसीव किया हुआ है। तो आप देखेंगे यहां पर हमने सीजीएसटी रिसीव किया है 15,600 रुपए और एसजीएसटी हमने रिसीव किया हुआ है 15,600 रुपए। अगर हम दोनों को इंक्लूड करते हैं तो अमाउंट बनता है हमारा 31,200 रुपए का, और जबकि हमने परचेज करते समय टोटल जो जीएसटी टैक्स पे किया हुआ है वो 36,000 रुपए का हमने टोटल पे किया हुआ है। वैसे तो 36,990 रुपए का हमने पे किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो टैक्स था, यानी जो हमने परचेजिंग टाइम में हमने गुड्स को परचेज किया था वो 36,990 रुपए का था, लेकिन यहाँ पर जब हमने सेल किया तो वो हमें क्रेडिट हो गया, 990 रुपए हमें रिसीव हो गया। तो इस वजह से जो हमारा अमाउंट है वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है 36,000 रुपए का। अब आप देखेंगे इसी तरीके से हमने जब सेल किया था सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर, तो टोटल अमाउंट हमारा आ गया था 31,200 रुपए, यानी इतना अमाउंट हम रिसीव कर चुके हैं पार्टी से। अब इसके बाद मैं आपको स्कैप करके पीछे ले जाता हूं और यहाँ पर आप देखेंगे, और यहाँ पर आप चले जाइए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, और यहाँ से चले जाइए जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर, और यहाँ से हम जीएसटी R1 को पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आप F2 प्रेस करिए, डेट्स को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, और एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो टोटल सेल है वो यहाँ पर दिखा देगा, 245,500 की हमने टोटल सेल की है, जिसके ऊपर हमें इंटीग्रेटेड टैक्स रिसीव हुआ है 990 रुपए का, और यहाँ पर आप सेंट्रल टैक्स अगर देखेंगे तो 15,600 रुपए हमें रिसीव हुआ है, और 15,600 रुपए हमारा यहाँ पर स्टेट टैक्स रिसीव हुआ है। टोटल अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 32,190 रुपए का हमारा टोटल टैक्सेशन अमाउंट क्रिएट होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे टोटल इनवॉइस हमने जो जनरेट किया है वो 277,690 रुपए का टोटल इनवॉइस हमने जनरेट किया है। उसी हिसाब से अगर हम स्कैप करके पीछे जाते हैं और यहाँ पर हम जीएसटी R3 भी अपना चेक करते हैं, यहाँ पर भी आप F2 प्रेस करके डेट को रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद अब आप देखेंगे जो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है वो हमारी बनती है यहाँ पर 36,990 रुपए का, यानी जो हमारा एलिजिबल ITC है वो 36,990 रुपए का है, इतना टैक्स गवर्नमेंट हमसे मांग रही है। तो अब हम करेंगे क्या, इस 36,690 रुपए को पूरा पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी परचेज करते समय
जीएसटी पे कर रखा था, उसी के हिसाब से उसी के बिहाफ पे अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं एनुअल ट्रांजैक्शंस को, तो एनुअल ट्रांजैक्शन के अंदर भी आपको यही दिखाएगा कि हमने जो टैक्सेबल अमाउंट था 245,500 रुपए का हमने टोटल गुड्स परचेज किया, जिसमें इंटीग्रेटेड टैक्स 990 रुपए का हमें रिसीव हुआ है और 15,600 रुपए का सीजीएसटी और 15,600 रुपए का एसजीएसटी हमें रिसीव हुआ है। लेकिन जो हमने गुड्स को परचेज किया था, परचेज करते समय आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो 36,990 रुपए का था, यानी कि 36,690 रुपए में से अगर हम 32,190 रुपए माइनस कर देंगे तो हमारा जो टोटल अमाउंट बचेगा वही हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। स्कैप करके एक बार पीछे आ जाइए, पीछे आने के बाद मैं आपको फिर से बैलेंस शीट में ले चलता हूं। बैलेंस शीट में जाने के बाद ऑल्ट F1 प्रेस करिए और यहां पर आप देखेंगे हमें जो टोटल टैक्स पे करना है वो 4,800 रुपए का पे करना है। अब यहां पर 4,800 रुपए क्यों दिखा रहा है इसको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं। इस पे एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करने के बाद मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं। यहां पर आप देखेंगे 15,600 रुपए हमने पार्टी से रिसीव किया है सीजीएसटी के नाम पे, 15,600 रुपए हमने रिसीव किया है एसजीएसटी के नाम पर पार्टी से, और टोटल जो अमाउंट हमारा बनता है वो 31,200 रुपए का बनता है। यहां पर आप देखेंगे 36,000 रुपए का टोटल जो अमाउंट हमारा था वो हमने पे किया था, हमने जो पे किया था वो 36,990 रुपए था। अब यहां पर 990 रुपए हमारा क्यों शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस टैक्स को रिसीव कर चुके हैं। जब हमने गुड्स को सेल किया था हमने आईजीएसटी सेल की थी जिसमें हम 990 रुपए को रिसीव ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस वजह से ये हमारा यहां पर मैनेज होकर के शो अप हो रहा है। तो हमें जो टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी बनती है वो बनती है 4,800 रुपए की, यानी हमें सिर्फ 4,800 रुपए की पेमेंट करनी है ड्यूटीज एंड टैक्सेस की। अब होगा क्या कि जब भी हम इसकी ई रिटर्न को फाइल करेंगे, ई रिटर्न फाइल करने के बाद हमारा जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो इतनी अमाउंट हमें शो होगा, यानी इतना अमाउंट हमें सिर्फ पे करना होगा, बाकी की जो टैक्स लायबिलिटी थी वो वहां पर मैनेज ऑटोमेटिकली हो जाएगी जो हमने गुड्स को परचेज करते समय पे किया था। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ई रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।